हेलो गाइस, तो कहाँ से शुरू करूँ क्योंकि एक नया ड्रामा रिलीज हुआ है जिसका नाम है डार्क होल। ये 2021 का ड्रामा है और पूरा मिस्टीरियस ड्रामा है जिसको आप टोटल 12 एपिसोड में फिनिश कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन टाइम लगभग 1 घंटा रखेगी, जिसमें आपको एक सिंक होल देखने को मिलेगा जिससे कुछ काली शक्तियाँ जैसे बाहर निकलती हैं और लोगों के दिमाग में अंदर जाके उनकी जो वो करना चाहते हैं, मतलब आप जिससे बदला लेना चाहते हैं या फिर कुछ और उसके मन में हो तो वो उसको उजागर कर देती है। जो उसे अपनाता है वो उसे छोड़ नहीं सकता। तो ये सब पूरा मिस्ट्री को देखने के लिए आपको पूरा ड्रामा फिनिश करना पड़ेगा। तो ये अभी न्यू रिलीज हुआ है और मैंने अभी इसको पूरा फिनिश नहीं किया है, इसके 2 एपिसोड देखे हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है और ये थोड़ा डार्क डार्क टाइप का है। ड्रामा के नाम पर इसकी कोचिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा लगेगा क्योंकि जिस नाम पे इसको रखा गया है उसी प्रकार की उसकी वाइब्स भी आती है, जो डार्क डार्क पूरा ड्रामा है जो डार्क वाइब देता है। अभी मैंने इसको पूरा फिनिश नहीं किया है, इसके 2 एपिसोड देख लिए हैं, बट जो 2 एपिसोड में जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें एक काली शक्ति होती है जो आपको दिमाग पे हावी हो जाती है और आप वो सब करने लगते हैं जो आपके दिमाग में एक जगह स्टोर होता है जो आप नहीं कर सकते, तो वो जिससे एक इंसान जोम्बीज टाइप का बन सकता है और वो दूसरों को मार सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने देखा है, तो आप इसको जाके देखें। और तो काफ़ी अच्छा ड्रामा लग रहा था मेरे को, इसका सीज़न फर्स्ट यही है, तो मोस्ट वॉच्ड के ड्रामा की सीरीज़ में लिस्टेड है, तो ये काफ़ी सर्च और देखा जाने वाला ड्रामा है। तो मुझे इसके 2 एपिसोड काफ़ी पसंद आया, तो मैं जल्द से जल्द इसको फिनिश करके पूरा कंप्लीट रिव्यू जरूर दूंगा। अब तक के लिए धन्यवाद, और आप जाओ और इसको पूरा फिनिश करो और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।